हेलो दोस्तों, एएम और पीएम हमें अक्सर देखने को मिलता है। जब भी हम अपने मोबाइल में देखते हैं या फिर किसी डिजिटल घड़ी में देखते हैं तो हमें अक्सर यही देखने को मिलता है कि अभी इतने बजकर पीएम हो रहा है या फिर एएम हो रहा है। ये अक्सर होता क्या है, क्या मतलब होता है आखिर इनका, क्यों दिखाई देते हैं ये एएम और पीएम हर समय के साथ में? और अगर आपसे किसी छोटे ने पूछ लिया आपसे कि एएम का मतलब और पीएम का मतलब भैया क्या होता है और दीदी क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है आप संतोषप्रद जवाब ना दे पाएँ, क्योंकि आपको एक्चुअल इसका मतलब अच्छे से पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा कि क्या होता है आखिर एएम और पीएम, और कहाँ से लिया गया है, और क्यों, और इसको एएम और पीएम ही क्यों बोला जाता है। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट टेकेजी यूट्यूब चैनल से। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तो कमेंट तो आपको करना ही है। गुड बाय नाइस, जैसा भी आपको लगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि अक्सर घड़ी में या मोबाइल पर आपको एएम और पीएम जब भी समय सेट करते हैं या फिर किसी को टाइम बताते हैं तो यही देखने को मिलता है। तो एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक लैटिन भाषा का मतलब है। हमारी तरफ से तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश या हिंदी दो ही लैंग्वेज है। लेकिन एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर नून। इसका लैटिन भाषा के अंदर मतलब निकाले तो बिफोर नून होता है, इसका मतलब हमारे हिंदी शब्द में हो गया दोपहर से पूर्व। जी हाँ फ्रेंड्स, दोपहर से पूर्व यानी 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे के बाद का समय बिफोर नून होता है। रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे के बीच का जो समय 12 घंटे का टाइम है, उसी को ही बिफोर नून बोला जाता है, एंटी मेरिडियन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एएम हो गया है। ये आपको अब पता चल गया है कि एएम का मतलब बिफोर नून होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन एएम एंटी मेरिडियन लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए इसको एंटी से ए और मेरिडियन से एम, एएम बोला जाता है। दूसरा जो शब्द था हमारा वो था पीएम। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम का अक्सर हम आफ्टर नून ही जानते हैं, लेकिन पीएम का पी और एम से क्या मतलब निकलता है? पी का मतलब होता है पोस्ट और एम का मतलब होता है मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, जिसका अगर अपन इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है आफ्टर नून, और हिंदी में देखें तो दोपहर के बाद का समय। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। इसलिए एएम और पीएम, इनके नाम जो है एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, वहीं से इनका एएम और पीएम आया है। तो आफ्टर नून यानी कि पीएम, पोस्ट मेरिडियन, तो इस तरह से इसको पीएम बोला जाता है। दोपहर 12 बजे का समय और रात के 12 बजे से पहले का समय, जो इवनिंग नाइट का जो समय है वो अपना पीएम के अंदर आता है। तो इस तरह से अब शायद आपको पता चल गया होगा एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और इनको लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आपको अच्छे समझ आ गया, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन और जिनको नहीं पता है उन सबको पता चल जाएगा, और वो कन्फर्म भी हो जाएंगे कि एएम कहाँ से लिया गया है और पीएम का मतलब कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।